हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और ये जो लेक्चर है हमारा, आपको दिख गया होगा स्क्रीन पे, ये होने वाला है रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। तो कैसे, कौन कौन से एक्ट्स हैं जिसके जरिए हमारे इंडिया में रेगुलेट किया जाता है फॉरेन ट्रेड को, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। पर उससे पहले मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ कि आप चाहें तो हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबर बन सकते हैं। इसके लिए आपको जो है हमारे चैनल पे आना होगा और सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा हमारे चैनल को, और जो बेल आइकन है उसे दबा देना होगा ताकि आपसे किसी भी तरह की कोई वीडियो मिस ना हो पाए। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि आप किस तरीके से हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन करेंगे। तो आपको इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे नीचे की तरफ आना है इग्नू एमकॉम में, और यहाँ पे फिर से एक ज्वाइन का बटन आपको शो करेगा जिसके ऊपर क्लिक करके एक नॉमिनल सा पेमेंट आप करेंगे जो कि 159 रुपीज का होगा। इसके तहत आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी, आपको असाइनमेंट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, आपको बहुत ही लो कॉस्ट जो नोट्स है वो मिल जाएंगे विद 40% डिस्काउंट। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा हमारी तरफ से 24/7 जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। किसी भी तरह की गाइडेंस एंड काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। आप हमें डायरेक्टली आप चाहें तो ऑनलाइन ऑन डिमांड लेक्चर्स भी आप चाहें तो बनवा सकते हैं। आप जब भी स्टडी करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट में आइए। प्लेलिस्ट में आपको ढेर सारी वीडियोज मिलेंगी, प्लेलिस्ट मिल जाएंगी फर्स्ट ईयर से लेकर के सेकंड ईयर तक की। IBO 1 से IBO 6 और MCO 1 से MCO 7 तक की सारी की सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जिसमें बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल है जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो चलिए फिर आज के टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, जो कि हमारा है रेगुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। तो फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है? फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है जब कोई एक कंट्री किसी और कंट्री के साथ किसी प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेड करती है, व्यापार करती है, तो हम उसे फॉरेन ट्रेड कहते हैं। क्योंकि जो व्यापार है वो किसी एक कंट्री का अपने अंदर नहीं हो रहा, बल्कि किसी एक कंट्री का किसी और कंट्री के साथ हो रहा है। तो देखो, जब कोई कंट्री के अंदर कोई व्यापार होता है ना, तो उसको मैनेज करना बहुत आसान होता है क्योंकि लॉज यहीं के होते हैं। तो लॉज जो है यहाँ पे होंगे तो वो एप्लीकेबल होंगे हर एक जगह पे, करेंसी को एक्सचेंज करने का कोई टेंशन नहीं होगा। पर जब आप फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो फॉरेन ट्रेड को एक तरीके से रेगुलेट करने के लिए उनको किस तरीके से चलाया जाए ताकि मैक्सिमम आउटपुट निकल पाए, बेहतर हो पाए, उसके लिए कुछ कुछ रेगुलेशंस बनाए गए हैं, कुछ कुछ कानून बनाए गए हैं जो कि फॉरेन ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं, हेल्प करते हैं फॉरेन ट्रेड को एक तरीके से प्रोसेस करने में, राइट। तो इसी के बारे में हमारा ये टॉपिक होने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। You have acquainted with the importance of foreign trade. हम लोगों ने already पढ़ा है foreign trade क्या होता है। In order to facilitate foreign trade and genuine transactions of goods and services and payment procedures, government regulates them through various acts. These major acts are discussed below. है ना? तो एक तरीके से गवर्नमेंट जो होती है ना, वो उनका काम है कि काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो। तो जो जेन्युइन ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, पेमेंट प्रोसीजर्स हैं, उस उन सबको एक तरीके से मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करती है फॉरेन ट्रेड को, कि इन सारी एक्टिविटीज को बाय देयर वेरियस एक्ट्स। और उन्हीं एक्ट्स के बारे में हम एक एक करके अभी बात करेंगे। सबसे पहला है फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992। सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस, इसका कलर मैं थोड़ा बदल लेता हूँ। The basic objective of this act is to provide for development and regulation of foreign trade by facilitating imports into and augmenting exports from India and for matters connected therewith or incidental thereto. है ना? तो यहाँ पे जो बात बोली गई ये है कि ये जो पूरा का पूरा जो मैंने फॉरेन ट्रेड एक्ट अभी आपको बताया 1992, ये एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि ये एक तरीके से रेगुलेट कर सके हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को, कि आप सपोज कोई चीज इंडिया में मंगवा रहे हो या आप किसी चीज का इंडिया के बाहर इम्पोर्ट कर रहे हो, तो उन सारी की सारी एक्टिविटीज को जो है इस कानून के तहत जो लॉज जो प्रोविजंस बनाए गए हैं उसके तहत ही आपको सारे के सारे काम आपको जो है करने हैं, है ना। तो किसी भी तरह का मैटर अगर किसी से रिलेटेड है, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है, चाहे वो इंपोर्ट हो या फिर एक्सपोर्ट हो, तो उन सारे के सारे मैटर्स को इसी ट्रेड के माध्यम से जो है सुलझाया जाएगा। अगर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट भी केस होता है तो उसको इसी के माध्यम से सुलझाने की बात यहाँ पे कही गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू मेक ऑर्डर्स एंड अनाउंस द एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक तरीके से एम्पावर्ड है, उसमें फॉरेन ट्रेड एक्ट के तहत जो है वो पॉलिसी बना सकती है, उसको ये हक दिया गया है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो है वो तैयार करेगी। कौन? तो सेंट्रल गवर्नमेंट। द प्रोसीजर ऑफ इशूइंग एक्सपोर्टर इम्पोर्टर कोड नंबर एंड लाइसेंस हैज बीन लेड डाउन। है ना? तो इम्पोर्ट एक्सपोर्टर का जो कोड होता है वो दिया जाता है एज पर दिस एक्ट, जिसमें कि आपको पता चलता है कि ये भाई आपका कोड नंबर है,
तो आपकी जो भी एक्टिविटीज होती है उनको ट्रैक रिकॉर्ड किया जा सकता है. द मैथड ऑफ सर्च सीजर पेनल्टी एंड कॉन्फिस्केशन हैव बीन स्पेल्ड आउट. तो इस एक्ट में जैसे मतलब सर्च के बारे में, अगर आप कोई गलती करते हो तो आपको किस तरीके से सर्च किया जाएगा, आपके प्रोडक्ट को कैसे सीज कर दिया जा सकता है, क्या पेनल्टी आपको पे करनी पड़ सकती है, क्या कॉन्फिस्केशन हो सकता है. कॉन्फिस्केशन का मतलब होता है कि कंपनी आपके कंट्री जो है आपके प्रोडक्ट को कंप्लीटली जब्त कर लेगी और उसके बदले आपको कोई कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा, तो उसको हम कहते हैं कॉन्फिस्केशन. ठीक है, तो ये एक नया वर्ड था इसलिए मैंने इसका मीनिंग आपको बता दिया. तो इन सब चीजों के बारे में जो है इस एक्ट में बताया गया है. फाइनली फाइनली द प्रोसीजर ऑफ फॉर अपील एंड रिविजन हैज बीन प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद द मिसलेनियस एस्पेक्ट्स. तो ये जो रूल्स आपको बताया गया है कि आप अगर कुछ गलती करते हो तो आपके प्रोडक्ट को सीज, सर्च, पेनल्टी, कन्फिस्केशन, ये सारी चीजें हो सकती हैं, सारी की सारी चीजें इसमें बताई गई हैं. लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अगर ऐसा कोई चीज होती है तो आप कहाँ पे अपील कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने ये जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं इसको आप बदलवा सकते हो बाई अपीलिंग समवेयर. आप अगर सही जानकारियां दोगे, सही चीजें आप अगर दोगे, मिसलेनियस जो एस्पेक्ट्स होंगे उन सब चीजों की जानकारी अगर आप दोगे तो आपको जो है इन सब चीजों से छूट भी मिल सकती है. राइट, तो इस एक्ट में इस चीज के बारे में मतलब फॉरेन ट्रेड के बारे में हर एक चीज जो है बताया गया है. अब बात कर लेते हैं कस्टम एक्ट के बारे में. 1962 में इसको बनाया गया था, निकाला गया था. तो ये एक्ट जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये कस्टम से रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड है. राइट, सो दिस एक्ट प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क, गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर्स रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस, है ना. तो जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस होंगे उससे रिलेटेड जो भी लीगल फ्रेमवर्क या गाइडलाइंस जो है वो कस्टम एक्ट 1962 के तहत आपको प्रोवाइड कराई जाती है. द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट आर, अब इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो क्या क्या है. रेगुलेटिंग द जेन्युइन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन. सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है यही है कि जो ट्रांजेक्शन है वो जेन्युइन हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो ट्रांजेक्शन है वो जेन्युइन होना चाहिए, फेक ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए. चेकिंग स्मगलिंग, कस्टम एक्ट के तहत आपको जो कस्टम्स ऑफिसर होते हैं उनका ये भी काम होता है कि ये चेक करना कि कहीं स्मगलिंग तो नहीं हो रही है. स्मगलिंग का मतलब हो गया सामान आ रहा है जा रहा है लेकिन उसका कोई बिल नहीं है, उसकी कोई पर्ची नहीं है, तो उसको स्मगलिंग बोलेंगे. कलेक्टिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्ट करना. गैदरिंग ट्रेड स्टैटिस्टिक्स एंड अंडरटेकिंग फंक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ द अदर एजेंसीज. तो अदर एजेंसीज के बिहाफ पे जो डेटा है उसको इकट्ठा करना, स्टैटिस्टिक्स तैयार करना का जो काम है वो कस्टम्स डिपार्टमेंट 1962 के तहत, कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत जो है कस्टम डिपार्टमेंट करती है. ठीक है ना. अब बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट एक्ट 1962 जिसको हम क्वालिटी कंट्रोल या इंस्पेक्शन एक्ट भी बोलते हैं. The basic objective of this act to is to ensure quality products to the buyers and specify the procedures for this purpose. तो ये जो act है इस तरीके से ये बताता है sellers को, exporters को कि आप जो product अपने country के बाहर भेज रहे हो वो अच्छी quality का होना चाहिए ताकि जो आपका buyer है वो खुश रहे, उसको किसी भी तरह की doubt अच्छा मतलब उसके कोई negative impact ना पड़े. क्योंकि एक बार तो आपने गलत तरीके से अपना सामान भेज दोगे लेकिन दोबारा वो आपके पास आएगा नहीं सामान खरीदने के लिए. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बायर्स को जो आप क्वालिटी सर्व कर रहे हो वो क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए. तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव एक्सपोर्ट एक्ट 1963 का वो यही है कि जो क्वालिटी है उसको बेहतर बना करके रखा जा सके और उसके लिए प्रोसीजर्स जो है ये भी ये बताती है. दिस एक्ट empowers the government to notify commodities for compulsory quality control and specify the types of quality control and inspection. तो ये जो एक्ट है ये गवर्नमेंट को ये एक तरीके से हक देती है, ये पावर देती है कि वो जो है कमोडिटीज को कंपलसरी क्वालिटी कंट्रोल के लिए भेज सके, उसकी क्वालिटी चेक करवा सके, है ना. और स्पेसिफिक टाइप जो है जो क्वालिटी कंट्रोल है वो किस तरीके से होगा, इंस्पेक्शन किस तरीके से होगा, ये सारे के सारे अधिकार जो है गवर्नमेंट को दिए गए हैं इस एक्ट के तहत, एक्सपोर्ट एक्ट 1963 के तहत. Efforts are made to encourage trade and industry for upgrading the quality of export products and enhancing the image of the country. है ना, तो efforts लगाए जाते हैं बहुत ज्यादा कि किसी तरीके से जो industry जो हमारे यहाँ पे develop हो रही है, export जो export करते हैं उनकी quality को किस तरीके से बेहतर किया जा सके और अच्छा किया जा सके, जिससे जो country का image है और भी बेहतर होगा दूसरी countries के सामने और लोग हमसे सामान को जो है purchase करेंगे. ठीक है ना, तो एक्सपोर्ट जो एक्ट है 1963 जिसे हम क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट भी बोलते हैं, इसके तहत ये सारी चीजें जो है वो होती हैं. नाउ अगला पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. तो इसके पहले फेरा था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, बाद में ये फीमा हो गया जिसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं. 1999 में ये बना. इसका काम वही है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको ठीक तरीके से मैनेज करना. ठीक है, सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट हैज बीन रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स एंड प्रमोटिंग द ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया.
है ना। तो इसका काम वही है जो मैंने अभी आपको बताया था। इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव वो यही है कि फॉरेन एक्सचेंज को किस तरीके से रेगुलेट किया जाए, अच्छे तरीके से इसको रेगुलेट करना। इसका ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि एक्सटर्नल ट्रेड को ठीक तरीके से फैसिलिटेट करे। जो पेमेंट्स है वो जब आप करने जाओगे तो आपको डॉलर में ही पेमेंट करेगा, तो उसको मैनेज करने का काम जो है फीमा करती है। साथ ही साथ ये ऑर्डरली जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको ये एक तरीके से प्रमोट करता है कि इंडियन जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसको एक तरीके से चलाने में जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है हेल्प आपका करता है। दिस एक्ट एडवोकेट्स रेगुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लाइक होल्डिंग एंड ट्रांजेक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड रिपैट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये एक्ट एक तरीके से ये बताता है, एडवोकेट करता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको आपको कुछ इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा कि फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आपके पास है, जो ट्रांजेक्शंस आप फॉरेन एक्सचेंज में कर रहे हो उसका, प्लस जो रिपैट्रिएशन होता है फॉरेन एक्सचेंज का, इन सब चीजों को जो है रेगुलेट करने का काम जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत किया जाता है। द रोल ऑफ द ऑथोराइज्ड पर्सन, द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन एंड पेनल्टीज एंड द प्रोसीजर फॉर एडजुडिकेशन एंड अपील हैव बीन डेल्ट विद। द पावर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट एंड अदर मिसलेनियस सर्विसेज आर डिस्कस्ड इन दिस एक्ट, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बताया गया जिसके बारे में इस एक्ट में लिखा गया है कि जो ऑथोराइज पर्सन होगा जो कि इसको मैनेज करेगा उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, उसका क्या क्या रोल होगा, कौन कौन से प्रोविजन के तहत जो ये काम किए जाते हैं, कितनी पेनल्टीज आपको पे करनी पड़ेंगी, है ना, किस तरीके से आप इस तरह की चीजों को आप डील करोगे, ये सारी की सारी चीजें जो है इस एक्ट के तहत बताई गई हैं। इसमें जो है पावर बताया गया है कि डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो होगा, ईडी जो होगा जिसे हम कहते हैं, उसका इसमें क्या रोल होगा, किस तरीके से वो इन चीजों को मैनेज करेगा, ठीक है ना। सो दीज आर द फ्यू एक्ट्स जिसके बेसिस पे जो है हमारा रेगुलेशन किया जाता है फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।